विधानसभा एक से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को जनसंपर्क के दौरान अभूतपूर्व जनसमर्थन मिल रहा है। उनको विगत 2 सालों की सतत सक्रियता का लाभ इस चुनाव में मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं शुक्ला क्षेत्र की हर समस्या को दूर करने का वादा भी कर रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस के विधानसभा एक से प्रत्याशी संजय शुक्ला का जनसमर्थन लेने का क्रम लगातार जारी है। संजय जहां लोगों में अपनी प्रतिष्ठा और सरलता के कारण लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो उनके द्वारा विगत दिनों लगातार संपर्क के कारण बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक जीत के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। शनिवार को शुक्ला ने दामोदर, धर्मशाला, यादव नंदनगर, राजा रामनगर, कुशवाहा नगर और दुर्गा नगर सहित आसपास के इलाकों में लोगों से मुलाकात की, जहां जनता ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। जनता के मुताबिक संजय एक सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और वे क्षेत्र में लोगों से सतत संपर्क में बने हुए हैं। ऐसे में उनकी जीत होना सुनिश्चित है। एक नंबर के क्षेत्र में संजय शुक्ला हजारों मतों से जीतेंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता है। संजय शुक्ला जनसेवक है, उनका पूरा संजय शुक्ला के पास कोई भी दीन दुखी यदि घर पे पहुंच जाता है उनकी सेवा के लिए, उनसे आग्रह करता है कि मेरे पास कोई समस्या है, तो संजय शुक्ला तत्काल उस समस्या का निदान करते हैं। और गरीबों के लिए गरीब बहुत और ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सामने वाला जो है ना वो तो टोटली निष्क्रिय है, उसने कोई काम नहीं किया 10 साल में, सिवाय लोगों को झूठी रिपोर्ट लिखाने के, झूठी तरीके से बंद कराने के, लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाने के अलावा उसने। मेरा नाम है जितेंद्र जायसवाल, मैं गणेशगंज का निवासी हूँ। विधायक ये जो जानबूझ के तोड़वा दिया, अतिक्रमण जहाँ था, जहाँ पर वास्तव में जो अवैध बिल्डिंगें बनी है, क्लास मार्केट कन्या विद्यालय, उसको नहीं तोड़वाया, उसको बचा के, उसको बचाने के लिए हमारे मकान तोड़वा दिए। आज की तारीख में हम बेघर हैं, हम किराए के मकान में रह रहे, कल तक हम मकान मालिक थे, आज हमको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। सुदर्शन गुप्ता की कृपा है ये। कार्यकर्ता हूँ जो संजय भाई के लिए पूर्ण रूप से पूरी तरह इस चुनाव में लगा हूँ, और संजय भैया को जिता के लाना है, भारी मतों से विजय बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को ठुकरा के पूरे क्षेत्र की मतदाता जनता ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार संजय भाई एक नंबर से चुनाव जीत के आएंगे। राधे श्याम शर्मा, राधु पंडित। पानी की है बस, हाँ गर्मी और काव की नहीं, पानी चाहिए हमको बस। जो काम करेगा वो भागीदार तरह बनेगा हमारा, और क्या लगता कोई परिवर्तन करेंगे या आपको लगता हो सकता कभी कर भी दे, क्योंकि पहले से परिवर्तन हुआ, रोड बन गया हमारा, उधर देखो उधर बहुत अच्छा हो। हाँ हुए काम तो, हाँ हाँ पहले से, हाँ बहुत फर्क है पहले से। हाँ जी हाँ जी हाँ। अभी तक तो ठीक है, बस यहाँ पर हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गर्मी के टाइम पर, क्योंकि सारी बोरिंग सूख जाती है, नर्मदा की लाइन तक यहाँ पर नहीं है, और थोड़ी बहुत सफाई भी नहीं हो पाती, गंदगी भी बहुत ज़्यादा दिखती है कभी कभी। हाँ। अच्छा, पहले के क्षेत्र में और अभी में क्या अंतर है? पहले से तो काफ़ी बेटर है अभी सब कुछ, मतलब काम हुआ है आपके क्षेत्र? या हाँ, क्या लगता है पुराने कामों को देखकर मतदान होगा या फिर कुछ परिवर्तन होगा, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? हो सकते हैं चेंजेस तो अभी भी, अगर अभी आप लोग बोल के, जैसे कि ये लोग बोल के चाहते कि हाँ, ये लोग वादा करके चाहते कि कुछ होगा अभी आगे। यहाँ पर आमतौर पर आप युवा मतदाता है, आमतौर पर ऐसा होता है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद वो सब धराशायी हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आपको? वो तो अब अकॉर्डिंग टू वर्क डिपेंड करता है कि वर्क पे कि क्या वर्क हो रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखे तो फिर डिपेंड्स ऑन पीपल कि किसको वर्क देने वाले हैं। अनिता तोमर। वहीं संजय शुक्ला ने क्षेत्र की जनता को पीने के पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने का दृढ़ निश्चय किया है। इसके लिए उन्होंने 600 बोरिंग के माध्यम से विधानसभा एक में वर्षों से प्यासी जनता की प्यास बुझाने का लक्ष्य रखा है। उनके द्वारा 4 से 8 बोरिंग प्रतिदिन करने के साथ ही 3 महीनों में 600 बोरिंग कर क्षेत्र की जनता को जल की समस्या से मुक्ति दिलाने की बात पूरी विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। संजय के मुताबिक सुदर्शन गुप्ता ने क्षेत्र के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है, वो सिर्फ नगर निगम और आईडीए के कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। जनसंपर्क की अगली क्षेत्र क्रमांक 1 से कांग्रेस के जुझारू प्रत्याशी संजय शुक्ला, आइए उनसे चर्चा करते हैं कि बढ़ती समय की रफ्तार के साथ जनसंपर्क का दौर कैसा है।
देखिए आज वार्ड क्रमांक 12 में ये मेरे परिवार का हमारा परिवार के बीच में ही मैं यहीं से छोटा बड़ा हुआ हूँ, इनके बीच में रहा हूँ और उसी वार्ड में जनसंपर्क कर रहा हूँ। ये लगातार ये मेरा जनसंपर्क पहला नहीं है, ये चौथा राउंड है मेरा यहाँ मिलने के लिए। मैं मिल के चौथी बार आ रहा हूँ और सभी माताओं बहनों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। जितने युवा है और जो बुजुर्ग हैं इधर के जितने सब साथी मेरे साथ जनसंपर्क करवा रहे हैं उन माताओं से घर में मिलने जा रहा हूँ। बाकी सब पूरे मोहल्ले के लोग मेरे साथ हैं, पूरे कॉलोनी के लोग मेरे साथ हैं, लगातार मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। क्षेत्र इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अवैध कॉलोनी जो अभी तक वैध नहीं हुई है, 15 साल से इन कॉलोनी वैध नहीं कराई है, उसको लिए सबसे पहले मेरे बहते हैं अवैध कराना। उससे पहले मेरा प्रोग्राम है कि 11 तारीख के बाद 600 बोरिंग कराना है, 600 बोरिंग में 3 महीने में करा के इस क्षेत्र में जो पानी की जो समस्या भयंकर समस्या उसको दूर करूँगा। भैया भाजपा प्रत्याशी सुदर्शन गुप्ता का ऐसा मानना है कि धरातल पर 3 महीने में 600 बोरिंग मतलब कहीं ना कहीं असंभव जैसा है, ये धरातल पर संभव नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए मैं मोदी जी और अपने अमित शाह और शिवराज सिंह झूठ नहीं बोलता हूँ, जो भी मैंने इधर बोला वो करा है। मेरा परिवार आज से नहीं वर्षों से करते आ रहा है, 3 महीने में 2 बोरिंग मशीन मैंने खरीद ली है। एक दिन में परमिशन के लिए उन्होंने बोला कि जो सरकार चुनाव होने के बाद कोई परमिशन नहीं लगती है, चुनाव होने आचार संहिता में परमिशन लगती है, उसके बाद जो आम पब्लिक के लिए बोरिंग कराना है उसके लिए कोई परमिशन नहीं लेती है और अपने आप बोरिंग है। ये सुदर्शन गुप्ता झूठ बोल रहे हैं, उनने 10 साल के अंदर 500 बोरिंग नहीं कराए, विधायक निधि से कराए, ये तो मैं मेरे खुद के प्रयास से करा रहा हूँ, जो सरकार का है वो अलग बोरिंग है। ये 3 महीने में रोज के 4 बोरिंग होंगे, एक दिन में 8 बोरिंग होते हैं, 8 बोरिंग होते हैं तो एक महीने 180 बोरिंग होते हैं, तो 2 महीने में ये होगा, 3 महीने में 600 बोरिंग करके मैं दिखाऊंगा। क्यों मैं सुदर्शन गुप्ता से झूठा नहीं है, क्यों मैं अपने परिवार के बीच में यही छोटा सा बड़ा हुआ, मेरे जिंदगी भर यही रहना है। मुझे एक बार झूठ बोल दूंगा तो अगली बार मेरे जिंदगी मेरे लिए परिवार मेरे से दूर हो जाएगा। मैं परिवार के साथ झूठ नहीं बोल सकता हूँ, ये झूठ बोल सकते हैं क्योंकि परिवार के नहीं है, इस विधानसभा के बाहर के, इसलिए इन्होंने 10 साल से कोई विकास नहीं किया, इसलिए झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। मैं क्षेत्र का काम करके दिखाऊंगा और काम करके दिखाया है मैंने। सुदामा नगर का ऐसे अवैध कॉलोनी थी, वहाँ टंकी बनवाई है और कॉलोनी अवैध कराई है मैंने, वहाँ ड्रेनेज समस्या हर समस्या दूर कराई है। मेरे लिए उदाहरण है गुप्ता जी के लिए 10 साल उनको चुन के भेजा है यहाँ पे, उनने गुप्ता जी ने एक भी कुछ नहीं करा, उसे झूठ बोल रहे हैं वो, अपनी भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोल रहे हैं, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं वो गलत है। तो मैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम तो विपक्ष के लोग हैं, वो जनता भगवान से झूठ बोल के 10 साल में, भगवान कौन है उनके लिए, मतदाता है, उस मतदाता को झूठ बोल के 10 साल में कुछ नहीं किया, और ये मेरे मतदाता और मेरे परिवार है और ये भगवान भी है, ये फैसला करेंगे कि अच्छा कौन है, काम कौन कर सकता है। गुप्ता जी ऐसा बोलकर इस क्षेत्र के अंदर दूध प्रचार कर रहा है, इस क्षेत्र की पब्लिक को संजय शुक्ला जी के पूर्ण विश्वास है और ये क्षेत्र की पब्लिक चुनाव के बाद में बताएगी कि हमारा विधायक संजय शुक्ला ही बनेंगे, क्योंकि वो गलत शुरू से गलत रही है, 10 साल में 10 बार भी क्षेत्र में नहीं आए, वो केवल साल में एक बार आते हैं और झूठा प्रचार करके जाते हैं, इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। नरेश यादव शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष, इस क्षेत्र में विधायक की सबसे बड़ी समस्या है, सुदर्शन गुप्ता को बिस्तर बांध करके चले जाना चाहिए और बीजेपी को हट जाना चाहिए, क्योंकि विकास उनका काम नहीं है, उनका काम है झूठ बोलना। 15 लाख दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया आज तक, लेकिन हमको पैसे से मतलब नहीं, हमारे घर का विधायक चाहिए जो विश्वसनीय आदमी हो, जो हमारी आधी रात को सुनता हो, जो आधी रात में हमारे घर में आकर के हमारी समस्या को सुनता हो। असंभव को संभव करने ही रण में उतरा हूँ, कुछ ऐसा ही कहना है कांग्रेस के विधानसभा 1 के प्रत्याशी ब्राह्मण रत्न संजय शुक्ला का। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कश्यप के साथ मैं प्रियंका पांडे।